आज हम पढ़ते हैं जालोर का चौहान वंश। जालोर, इसका प्राचीन नाम मिलता है जवालीपुर। जवालीपुर, जवालीपुर, यहाँ एक ऋषि हुए जिनका नाम था जवाली ऋषि। जवाली ऋषि, जवाली ऋषि की तपोभूमि थी, और जवाली जो ऋषि हैं इनकी तपोभूमि होने के कारण इसे कहा जाता है जवालीपुर। जवाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे जवालीपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक दुर्ग है जिसका नाम है सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग है जिसे जवालीगढ़ जवालीपुर कहा जाता है। और सुवर्णगिरी जो दुर्ग है, यहाँ पर शासन रहा है चौहानों का। तो चौहान वंश ने यहाँ पर शासन किया है, और यहाँ के जो चौहान थे उन्हें कहा जाता है सोनगरा शाखा के चौहान। सोनगरा शाखा के चौहान। जालोर में सुवर्णगिरी दुर्ग में चौहान वंश की सोनगरा शाखा का शासन रहा है। सोनगरा जो शाखा थी, इसकी जो स्थापना हुई है वो स्थापना हुई 1182 ईस्वी को। 1182 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है जालोर की सोनगरा शाखा की। जालोर की जो सोनगरा शाखा थी उसका संस्थापक था, उसकी नींव रखी गई थी, और वो नींव रखने वाला व्यक्ति था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है मुड़ोत नैंसी के ग्रंथ से, जिसका नाम है मारवाड़ा परगनारी विगत। मारवाड़ा परगनारी विगत, उससे हमें जानकारी मिलती है। जालोर में 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने चौहान वंश की जो स्थापना की वो की नाडोल में, और नाडोल पड़ता है वर्तमान में पाली में। तो पाली और जालोर के जो आसपास का क्षेत्र था वहां पर सोनगरा शाखा के चौहान जो थे उन्होंने यहाँ पर शासन किया है, और इसका संस्थापक हुआ कीर्तिपाल चौहान, जिसे मुड़ोत नैंसी ने कीतु एक महान राजा की संज्ञा दी है। इसके बाद में इसका सबसे वीर और प्रतापी जो शासक हुआ वो हुआ कन्नड़ देव प्रबंध। ये ग्रंथ है कन्नड़ देव प्रबंध। उस कन्नड़ देव प्रबंध का लेखक है पद्मनाभ। पद्मनाभ, पद्मनाभ ने यहां पर एक ग्रंथ लिखा कन्नड़ देव प्रबंध। उससे जानकारी मिलती है कि जालोर में सोनगरा शाखा का सबसे वीर और प्रतापी जो शासक हुआ वो सबसे वीर और प्रतापी शासक हुआ कन्नड़ देव चौहान। कन्नड़ देव चौहान, कन्नड़ देव जो चौहान था इसने यहां पर शासन किया 1305 से लेकर के 1311 ईस्वी। 1305 से 1311 ईस्वी कन्नड़देव चौहान का यहां शासन रहा है। जालोर में सुवर्णगिरी दुर्ग पर इसका अधिकार रहा, और इसकी जो चौहान वंश की शाखा थी जालोर में वो थी सोनगरा शाखा। इस समय की हम अगर कंडीशन देखें भारत की, तो उस समय भारत में जो दिल्ली है वहां पर सल्तनत काल था, और सल्तनत जो काल है उस सल्तनत काल में इस समय यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी। तो ये दोनों एक दूसरे के समकालीन है, अलाउद्दीन खिलजी और कन्नड़ देव चौहान। कन्नड़ देव चौहान जालोर का शासक है। जालोर में ही जो दुर्ग है सुवर्णगिरी दुर्ग, उसके पास में जो दुर्ग है वो बाड़मेर में एक दुर्ग है जिसका नाम है शिवाणा का किला। शिवाणा का किला, शिवाणा का किला बाड़मेर में। अब ये दोनों जो दुर्ग है ये दोनों गुजरात की सीमा पर हैं। सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में और शिवाणा दुर्ग बाड़मेर में। अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए उसने 1301 ईस्वी में, हम पहले पढ़े थे इससे पहले, रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद में 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उस पर अधिकार कर लिया था। इन दोनों पर अधिकार करने के बाद उसे दक्षिण भारत में मालवा की तरफ आक्रमण करने का रास्ता मिल जाता है। अब अगर उसे गुजरात पर आक्रमण करना है
तो गुजरात की सीमा पर राजस्थान के दो महत्वपूर्ण किले हैं, एक है सुवर्णगिरी दुर्ग और एक है शिवाना दुर्ग बाड़मेर। इन दोनों पर उसे अधिकार करना होगा। तो इस पर अधिकार करने के लिए इसने 1305 ईस्वी में सुवर्णगिरी दुर्ग पर आक्रमण के लिए सेना भेजी अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय यहां का शासक है कानड़देव चौहान, उसको देखते हैं। कानड़देव चौहान इधर शासक है जालौर का, सुवर्णगिरी दुर्ग पर इसका अधिकार है और उस समय दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। तो कानड़देव चौहान इसका शासनकाल है 1305 ईस्वी से लेकर के और 1311 ईस्वी। इस समय अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। इसने जालौर पर आक्रमण के लिए 1305 ईस्वी में अपना एक दूत भेजा जिसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। एन उल मुल्क मुल्तानी ये जालौर पर सेना लेकर के आक्रमण करता है। कानड़देव और मुल्तानी इन दोनों के मध्य में हो जाता है समझौता। अब इन दोनों में समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते में बात हुई कि कानड़देव का एक पुत्र है और उस पुत्र का नाम है बीरमदेव चौहान, क्योंकि अगला शासक बनेगा बीरमदेव, तो इसलिए इसको बीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली दरबार में रखा जाएगा जब तक कानड़देव यहां का शासक है। तो इस समझौते के तहत एक राजपूत राजकुमार बीरमदेव चौहान जो अगला शासक होगा जालौर का, वो यहां पर शासन करेगा, लेकिन अपने पिता के राज्य को बचाने की खातिर, और वो यहां से भेज दिया जाता है वीरमदेव दिल्ली। तो वीरमदेव रहने लग जाता है दिल्ली में। अब यहां पर वीरमदेव दिल्ली चला जाता है, इन दोनों के मध्य में हो जाता है समझौता। अब इसके बाद हुआ क्या कि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन जो खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। अब फिरोजा एक राजपूत राजकुमार दिल्ली दरबार में रह रहा है, फिरोजा इसको देखती है और फिरोजा इससे प्यार करने लग जाती है, फिरोजा इससे प्रेम करने लग जाती है वीरमदेव से। एक दिन इस बात का अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव को बुलाता है, तो वीरमदेव को इसका पता ही नहीं कि कोई फिरोजा भी है और उससे प्यार भी करती है। वीरमदेव ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन जब फिरोजा को बुलाया गया तो फिरोजा ने कहा कि पिताजी अगर वीरमदेव मेरे से शादी करता है तो मैं जिंदा रहूंगी, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब भारत का सबसे बड़ा सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का सुल्तान है, देश में इतनी बड़ी बेइज्जती होगी, क्यों? क्योंकि उसकी पुत्री किसी के प्यार में आत्महत्या करके मरेगी। तो इसलिए उसने वीरमदेव को कहा कि आपको शादी करनी होगी, लेकिन वीरमदेव ने साफ इनकार कर दिया कि मैं एक राजपूत राजकुमार और मैं एक मुगल शहजादी से विवाह नहीं कर सकता। तो जब इसने इनकार कर दिया तो फिरोजा ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव को समझाया, लेकिन वो नहीं माना, तो उसको चेतावनी दी कि आपके पास आज रात का टाइम है, सोच के बता देना, नहीं तो सुबह आपके गले पर वार होगा। अब गले पर दो वार होंगे, अगर हां करता है तो माला मिलेगी और अगर मना करता है तो तलवार। अब वीरमदेव रात में नींद नहीं आई और रात में यहां से दिल्ली से भागा और आ गया कानड़देव के पास जालौर में। सुबह अलाउद्दीन खिलजी उठा तो देखा वीरमदेव गायब। अब इतनी बड़ी बेइज्जती, क्योंकि उसकी पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया, भारत का सबसे बड़ा सुल्तान, और उसकी पुत्री से इनकार किया, तो वो गुस्सा हो जाता है, नाराज होता है और जालौर पर आक्रमण के लिए यहां पर सेना भेजता है। हुआ क्या कि वीरमदेव इधर आ जाता है यहां जालौर में। अब इसने इसी दौरान लगभग 3 वर्ष बीत गए, 1308 ईस्वी में जालौर पर दोबारा आक्रमण के लिए अपना एक सैनिक भेजा जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग ने सोचा कि इसका पड़ोसी जो दुर्ग है जालौर का शिवाना दुर्ग, पहले उसको जीता जाए, तो इसलिए यह गया शिवाना, और शिवाना दुर्ग बाड़मेर जो था उसका कमालुद्दीन गुर्ग ने डाल लिया घेरा।
कमालुद्दीन गुर्ग इस दुर्ग का घेरा डाल लेता है। शिवाना का इस समय जो शासक था वो था शीतल देव चौहान, शीतल देव चौहान, और उसके सेनापति थे सातल और सोम। सातल और सोम इसके दो वीर सेनापति हैं। 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग शिवाना दुर्ग बाड़मेर का घेरा डालता है। यहां पर युद्ध होता है, इसमें शीतल देव चौहान, उसके सेनापति सातल और सोम लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये वीरगति को प्राप्त होते हैं और शिवाना दुर्ग पर अधिकार हो जाता है कमालुद्दीन गुर्ग का, और इसका नाम बदल करके रख दिया जाता है खैराबाद। तो 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसका नाम बदल करके कर दिया खैराबाद। अब इसके 3 साल बाद इसने घेरा डाला 1311 ईस्वी को सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर का कमालुद्दीन गुर्ग ने। यहां पर भी इसे कोई सफलता नहीं मिली, तो इसने क्या किया, इस दुर्ग का कानड़देव का दुर्ग रक्षक था जिसका नाम था दैया बीका को लालच देकर के इसने अपनी तरफ मिला लिया। ये दुर्ग रक्षक है, राजपूत है, कानड़देव चौहान का दुर्ग रक्षक है, लेकिन लालच देकर के कमालुद्दीन गुर्ग ने इसे अपने पास कर लिया, अपनी तरफ मिला लिया। इसने दुर्ग की सारी गुप्त जानकारी और कमजोरियां बता दी, तो कमालुद्दीन गुर्ग की जो सेना है वो रात में दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। अब कमालुद्दीन गुर्ग इसकी सेना जो है वो दुर्ग में प्रवेश कर जाती है, लेकिन धोखा किया दैया बीका ने कानड़देव चौहान के साथ में, विश्वासघात किया, इसलिए दैया बीका की जो पत्नी थी उसने इसकी रात को सोते समय कर दी हत्या। कानड़देव चौहान यहां पर 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। कानड़देव चौहान इसने कर लिया केसरिया। कानड़देव चौहान इसकी रानी थी जिसका नाम था जैतल दे रानी, और जैतल दे ने यहां पर जौहर कर लिया। अतः यहां पर 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग में हुआ साका। अब इनको वीरमदेव को पकड़ना था, उसकी फिरोजा से ले जाकर के दिल्ली में शादी करानी थी, तो वीरमदेव को मुगल सैनिकों ने पकड़ लिया, लेकिन वीरमदेव मुगल सैनिकों से छुड़ा करके इस जालोर दुर्ग में एक माता का मंदिर है, आशापुरा माता का मंदिर है। आशापुरा जालोर के जो सोनगरा शाखा के चौहान है उनकी कुलदेवी है, उस मंदिर के सामने जाता है और यहाँ पर वीरमदेव जो है वो देवी के सामने अपना कटास से सिर धड़ से अलग कर लेता है और वीरमदेव भी अपनी आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद वीरमदेव जो था, इस वीरमदेव के सिर को ले जाकर के दिल्ली फिरोजा को दे दिया जाता है, और फिरोजा जो है वीरमदेव का जो सिर था उसको लेकर के नदी है दिल्ली में यमुना नदी, उसके किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे जाती है और यमुना नदी के किनारे सिर को रख करके इसकी चिता बनाती है और इसका हिंदू विधि से कर देती है अंतिम संस्कार, और फिरोजा यमुना नदी में कूद करके कर लेती है आत्महत्या। फिरोजा ने यहां पर आत्महत्या कर ली 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में जालोर जो दुर्ग है, सुवर्णगिरी जो दुर्ग है, उस पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन जो खिलजी है वो इसका नाम बदल करके रख देता है जलालाबाद। तो 1311 ईस्वी में जलालाबाद यानी जालोर का सुवर्णगिरी दुर्ग अधिकार में हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के। 4 दुर्ग थे जिन पर अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान में अधिकार हुआ। 1301 ईस्वी में रणथंभौर का किला, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का किला, 1308 ईस्वी में शिवाना दुर्ग बाड़मेर, और 1311 ईस्वी में सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर। यहां पर जलालाबाद इसका नाम रख दिया और इस पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने इस जालोर दुर्ग में अपनी पुत्री फिरोजा की याद में यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया और उस मस्जिद को कहा जाता है फिरोजा मस्जिद, या इसे ही कहा जाता है तोप मस्जिद, या इसे ही कहा जाता है अलाई मस्जिद। तो फिरोजा मस्जिद, तोप मस्जिद या अलाई मस्जिद इसको कहा जाता है। जालोर दुर्ग में इसने इसका निर्माण करवाया था। यह राजस्थान की दूसरी मस्जिद मानी जाती है। राजस्थान की प्रथम जो मस्जिद है उसका निर्माण
प्रथम मस्जिद का निर्माण 1194 ईस्वी के लगभग यानी कि लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ है। और पहली जो मस्जिद है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली जो मस्जिद है उसका निर्माण अजमेर में एक पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला। उस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे उसने तुड़वाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई जिसे कहा जाता है 16 खम्भों वाली मस्जिद। 16 खम्भों वाली मस्जिद का निर्माण करवाया, और 16 खम्भों वाली जो मस्जिद है उस 16 खम्भों वाली मस्जिद को ही कहा जाता है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद ये राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। यहाँ एक संत है, संत पीर पंजाब साहब, उनकी याद में यहाँ 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। और इसमें 16 खम्भे, इसलिए इसे 16 खम्भों वाली मस्जिद कहते हैं। ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। और राजस्थान की दूसरी जो मस्जिद है वो मानी जाती है फिरोजा मस्जिद, तोप मस्जिद या अलाई मस्जिद, जिसका निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया। तो इस प्रकार जालोर में चौहान वंश का अंतिम शासक हुआ कानड़ देव चौहान, और इसके बाद में इस पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। थैंक यू। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे। और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेंच अप्लान, शानदार तालियां लौटी से भी तो करना चाहिए। मेरे पकड़ा उस पानी में डाल दिया जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया। और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्र के जनरल है विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपके विजय के लिए।